हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोकिल। फ्रेंड्स, घर नया हो या पुराना हो, छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन उसके अंदर डोरबेल नहीं लगी हुई, तो यार कई बार हम परेशान हो जाते हैं कि यार इसके अंदर खास एक डोरबेल लगी हुई होती तो मज़ा आ जाता। ऐसे में फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक बहुत ही शानदार डोरबेल बनाने जा रहा हूँ जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो यार ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। फ्रेंड्स, इस डोरबेल को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक छोटा गिलास लेंगे स्टील का, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। कोई भी इस तरह का छोटा गिलास आप ले सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पर लेंगे हम इस तरह का एक इलेक्ट्रिक बोर्ड, जो कि बिल्कुल आसानी से आपको इलेक्ट्रिक शॉप पे ही मिल जाएगा। वहाँ पर फ्रेंड्स आपको तरह तरह के इलेक्ट्रिक बोर्ड देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं इस तरह का इलेक्ट्रिक बोर्ड ले रहा हूँ, देख सकते हैं। यहाँ पर यह बिल्कुल मैं खाली लेके आया हूँ, कोई स्विच या 3-पिन प्लग सॉकेट वगैरह कुछ भी नहीं लाया। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर लेंगे हम इस तरह की डीसी मोटर जो कि 3 वोल्ट की है, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ इनमें से एक ही पीस लेनी है। यहाँ पर फ्रेंड्स, ये इतनी सारी मोटर मैंने पुराने डीवीडी रोम और सीडी रोम से निकाली है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और सारी की सारी फ्रेंड्स ये 3 वोल्ट की है, देख सकते हैं फ्रेंड्स, सारी की सारी एक जैसी है, ये देखिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं कोई सी भी एक पीस ले लेता हूँ। अब यहाँ पर हम एक जुगाड़ करने वाले हैं, इस तरह से मैं इस मोटर को फिक्स करूंगा इस जगह, ठीक है। लेकिन इससे पहले इस मोटर के हम कुछ जुगाड़ करने वाले हैं, तो चलिए वो जुगाड़ हम कर लेते हैं। इस तरह से ये एक वायर का टुकड़ा मैंने ले लिया है। इसके अलावा यहाँ पर मैं लूंगा एक नट और इस नट को इस तरीके से इस वायर के अंदर डाल के और इस तरीके से इसको बांध दूंगा, जो नट है उसको, तो कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा है, इसको मैं इस मोटर की शाफ्ट पे कनेक्ट कर दूंगा, यानी सोल्डरिंग कर दूंगा। तो चलिए मैं इसको जल्दी से सोल्डरिंग कर लेता हूँ। तो इस नट को विद वायर मैंने कुछ इस तरीके से इस मोटर के कनेक्ट कर दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसको फिक्स करेंगे हम इसके अंदर। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हम इस तरीके से फिक्स कर देंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने मोटर को कुछ इस तरीके से लगा दिया है और बहुत ही अच्छी तरीके से ये लग गई है। फ्रेंड्स, अब हम ये जो गिलास है इसको इसके ऊपर इस तरीके से लगाने वाले हैं, और ये जो मोटर जब घूमेगी इस नट के साथ में, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसकी जो आवाज है वो किस तरीके से आएगी। साथ ही फ्रेंड्स, अभी हमें ये भी देखना है कि ये मोटर हमें किस तरह से घुमानी है और ये डोरबेल किस तरह से काम करेगा। तो चलिए इसके लिए भी हम कुछ और पार्ट्स ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं इस गिलास को इस मोटर के ऊपर इस तरह से फिक्स कर दूंगा। तो चलिए मैं इसको अच्छे से फिक्स कर देता हूँ। वैसे तो ये बहुत ही टाइटली यहाँ पर आ रहा है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर ग्लू स्टिक लगा के अच्छे से फिक्स कर देंगे। तो यार फ्रेंड्स, मुझे लगा कि इसके अंदर मुझे कोई भी ग्लू स्टिक लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो गिलास है वो बहुत ही अच्छी तरीके से फिक्स हो गया है। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, अगर आपका गिलास यार अगर ढीला रहे तो प्लीज यार वहां पर ग्लू स्टिक लगा लीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो यार भाई के इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर लेंगे हम एक इस तरह का लिथियम आयोन सेल जो कि 3.7 वोल्ट का है, और ये जो हमारी मोटर है इसके अंदर जो लगी हुई है वो 3 वोल्ट की है, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता एक आध वोल्ट से, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको हम यहाँ पर फिक्स करने वाले हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पर लेंगे हम एक इस बैटरी को चार्ज करने वाला मॉड्यूल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है वो मॉड्यूल जो इस बैटरी को चार्ज करेगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यार इसका मैं नाम क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि यार फ्रेंड्स इसका नाम मैं नहीं आप लोग बताओगे, वो भी कमेंट बॉक्स के अंदर। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि इसका नाम क्या है, क्योंकि ये जो मॉड्यूल है मैंने काफी वीडियो के अंदर यूज में लिया है फ्रेंड्स, इस तरह की लिथियम आयोन बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो ध्यान से देख लीजिए इस मॉड्यूल को और जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मॉड्यूल को हम यहाँ पर फिक्स करते हैं इस बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो सबसे पहले मैं इस बैटरी का कनेक्शन इस मॉड्यूल के साथ में करूंगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो लिथियम आयोन बैटरी है ये भी आपको बिल्कुल सस्ते में मिल जाएगी, मात्र ऐसे समझिए 10 रुपए के अंदर आपके पड़ जाएगी। वो कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूं। यहां पर देखिए फ्रेंड्स, ये वाली जो बैटरी है, इसके अलावा यहां पर ये वाली जो बैटरी है,
और ये वाली बैटरियाँ। यही नहीं है फ्रेंड्स, मैंने और भी काफ़ी सारी बैटरियाँ निकाली है, जिसमें मैंने साइकिल की बैटरी भी आपको बना के बताई थी। ये सारी बैटरियाँ फ्रेंड्स मैंने लैपटॉप बैटरी से निकाली है, और वो बैटरी आपको बिल्कुल आसानी से कंप्यूटर रिपेयरिंग शॉप से मिल जाएगी। मैंने उसके लिए काफ़ी वीडियो भी बनाए हैं। तो इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से ये बैटरियाँ निकाल सकते हैं लैपटॉप की ख़राब बैटरी से। लैपटॉप की ख़राब बैटरी उसको बोलते हैं, लेकिन उसके अंदर यार निकलती है सही बैटरियाँ, वो भी 80%। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम जल्दी से कनेक्शन कर लेते हैं। इसके पॉजिटिव पे यहाँ पर मैं ब्लू वाला वायर जोड़ रहा हूँ, और नेगेटिव पे जोड़ूंगा वाइट वाला। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अब इस बैटरी के कनेक्शन कर देते हैं हम इस मॉड्यूल के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से। अब देखिए यहाँ पर लेंगे हम इस तरह का अलार्म स्विच, और ये स्विच आपको बिल्कुल आसानी से इलेक्ट्रिक की शॉप पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको खोल के इसके कनेक्शन करते हैं हम। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक वायर का टुकड़ा लूँगा और इन दोनों पॉइंटों पे इसको कनेक्ट कर लूँगा। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ कि इसके अंदर जो मोटर लगी हुई है उसकी जगह आप दूसरी मोटर भी ले सकते हो, कोई भी 3 वोल्ट की, ज़रूरी नहीं है कि आप यही मोटर लो। तो इस तरह से इस वायर को हम कनेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर इस स्विच को वापस से पैक कर देंगे। ये जो वायर आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये आप जितना चाहो उतना लंबा ले सकते हैं आपके घर के हिसाब से। जहाँ पर आपको ये बेल स्विच यानी ये जो अलार्म स्विच लगाना है वहाँ पर आप इसको ले जा सकते हैं। तो चलिए हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक छोटा सा छेद कर लेता हूँ ताकि इस वायर को मैं इसके अंदर डाल सकूँ। अब यहाँ पर मैं इन वायरों को इस तरीके से डाल लूँगा। अब देखिए जो मोटर से आया हुआ पॉजिटिव वायर है इसको मैं बैटरी के पॉजिटिव पे इस तरह से कनेक्ट कर दूँगा। अब इस अलार्म स्विच का कोई भी एक वायर हम इसके नेगेटिव पे कनेक्ट कर देंगे। कोई भी वायर ले सकते हैं, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो स्विच का एक वायर और बचा है इसको हम मोटर के साथ में कनेक्ट कर देंगे, जो मोटर का बचा हुआ वायर है उसके साथ में। तो चलिए यहाँ पर मैं एक स्लीव डाल लेता हूँ इसके अंदर, या फिर आप ब्लैक वाली टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम इस बैटरी और इस मॉड्यूल को यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं, लेकिन मॉड्यूल को हमें इस तरह से फिक्स करना है ताकि हम इस बैटरी को चार्ज भी कर सके। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम इनको फिक्स कर लेते हैं। अब इस मॉड्यूल को हम यहाँ पर फिक्स करने वाले हैं इस तरीके से। तो इसके सॉकेट के लिए हम यहाँ पर जगह बना लेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इस तरीके से जगह बना ली है, और अब यहाँ पर ये जो मॉड्यूल है इसको हम फिक्स कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इसको कवर कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसकी बहुत ही शानदार टेस्टिंग करके बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो गिलास है इसकी गोलाई का नाप का मैं यहाँ पर कट कर लेता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से इसकी कटिंग कर ली है, और अब हम इसको यहाँ पर इस तरीके से पैक कर देते हैं। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको ये चार्ज करके बताता हूँ बैटरी को। तो देखिए इसको हम मोबाइल चार्जर के द्वारा बिल्कुल आसानी से चार्ज कर सकते हैं। जैसे ही मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट करूँगा तो मॉड्यूल के अंदर इस तरीके से रेड लाइट ग्लो हो जाएगी, और जैसे ही हमारी बैटरी फुल चार्ज होगी तो मॉड्यूल के अंदर यहाँ पर ब्लू लाइट ग्लो हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स इस केबल को तो मैं निकाल देता हूँ फिलहाल, और अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ कर लेता हूँ फ्रेंड्स इस डोरबेल को चेक कराने से पहले। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो जगह इस तरीके से खाली है यहाँ पर मैं कुछ डिजाइन लगा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं ये ग्रीन वाली टेप लगा देता हूँ, आप चाहे तो यहाँ पर ब्लैक वाली भी लगा सकते हैं या फिर और कोई कलर भी लगा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये हम किस तरीके से लगाते हैं, और फिर करवाता हूं आपको इसकी बहुत ही शानदार टेस्टिंग। तो
देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इस तरीके से टेप लगा दिया है। अब यहाँ पर ये जो कटिंग की हुई है, यहाँ पर भी मैं टेप लगा लेता हूँ, ताकि यहाँ पर ये जो डोर बेल है वो हमें बहुत ही अच्छी दिखे, सुंदर दिखे। तो अब की बार फ्रेंड्स यहाँ पर मैं येलो वाली टेप लगा रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से ये टेप हमने लगा दिया है फ्रेंड्स, और अब यहाँ पर मैं इस डोरबेल को आपको चेक करके बताता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही मैं इसको इस तरीके से दबाऊंगा तो हमारी डोरबेल अच्छे से काम करेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर वाइब्रेट भी हो रही है ये। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको मकान में लगाने के लिए, जैसे मान लीजिए ये दीवार है, दीवार पे हम इस तरीके से लगा सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं या ऐसे लगा सकते हैं, जैसे मर्जी आप लगा सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि किसी भी पावर के पास में हमें घंटी को लगाना होता है, यानी पावर से ही कनेक्ट करना होता है। तो दीवार के ऊपर जो सॉकेट्स वगैरह लगे हुए होते हैं, वहीं पे हम चार्जर लगा के इसको चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स वैसे भी इसको ज़्यादा चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार चार्ज करने के बाद में ये कम से कम 10 दिन बिल्कुल आसानी से चल जाएगा। और रही बात इस स्विच की, जो कि अलार्म स्विच है, इसको हम कहीं पर भी ले जा सकते हैं इस वायर को लंबा करके, ठीक है। तो यहां पर ये समझाने के लिए मैंने पास में रखा है, वैसे इस वायर को हम जितना चाहे उतना लंबा कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये डोरबेल बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ यार अपने दोस्तों के साथ में भी इस डोरबेल का ये वीडियो ज़रूर से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।